I just reached New Delhi railway station and platform is almost empty. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम हो गया 6:12। पूरा दिन मस्त आराम से सोया हूँ, खाया पिया, सोया बढ़िया आराम से चिल करके। अभी निकलने का टाइम हो गया क्योंकि मेरी ट्रेन है 10:43, जिससे मैं लास्ट टाइम गया था वही वाली ट्रेन है मेरी। और इस बार मैं अकेला जाऊँगा, दीदी साथ नहीं आएंगी। वैसे प्लान तो था मेरा कि यार यहाँ पर आकर के रुकूंगा 2-4 दिन, वैष्णो देवी वगैरह जाऊँगा, सारे काम करूँगा। बट द प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्पेशल एक केस में है क्योंकि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग चुका है, बॉर्डर सील होने की कगार पर हैं, यूपी के अंदर भी लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं। तो इट्स बेटर कि इस टाइम पर भैया घूमने के बजाय आप जो है घर में सेफ रहें। सो बस वही मैं कर रहा हूँ। मेरे पास मतलब मेरी ज़रूरत थी, मेरी मजबूरी थी दीदी को ड्रॉप करके यहाँ पर लेके आने की, दैट्स इट। इसके अलावा अगर कोई और मतलब अगर मेरे पास अगर कोई मजबूरी ना होती तो मैं नहीं आता, नहीं घूमता। सो यस, अब मेरे पास मजबूरी थी तो आया था। तो भैया वापस पहुंच के सीधा फटाफट से घर के अंदर पैक हो जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो कोरोना इस जो सेकेंड वेव का जो कोरोना है वो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बोलते हैं या फिर ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग उससे इन्फेक्टेड हो रहे हो। जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, भाई साहब क्या हालत हो रखी है रेलवे स्टेशन की जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है। और उसके बाद से मैंने कुछ फोटोज़ देखी थी, कुछ मैंने वीडियोज़ और कुछ मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं कि यार लोग पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं जो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई मास्क लगा करके। देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, आपकी ज़िंदगी, वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं मास्क मत लगाओ, कल को मर जाओगे, ठीक है। घर वाले और तुम्हारे घर वाले ही रोते रह जाएंगे, तुम मर जाओगे, ठीक है। सो इट्स बेटर मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो, और प्लीज़ पुलिस वालों को गालियां देने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। आई नो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हारी सोच अलग है, बट इट डजेंट मीन कि तुम पुलिस वालों को गाली दो, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सो अभी मैं ऑल सेट हूँ एकदम, मतलब बाहर निकलने के लिए इन द सेंस कि मतलब घर वापस जाने के लिए। पता है जम्मू के अंदर एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ कि शाम को 7 बजे के बाद से बसेस मिलना बंद हो जाती हैं, जो आपकी जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि जिस एरिया में हूँ यू नो बेटर है कि जम्मू और वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो इसीलिए बेसिक मेरी 9:45 बजे की मेरी ट्रेन है, बट मुझे 7 बजे ही मुझे निकलना पड़ेगा, और आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा तो रेलवे स्टेशन वेट करेंगे और चलेंगे। यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा, बाप रे, निकलो 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 निकलो। यहाँ पर पूरा हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड ये रहा BSF का गेट इधर आपका, यहीं से मुझे बस मिलेगी। मुझे लग नहीं रहा कि वो आने वाली है बस, भाई साहब एक उम्मीद की किरण आती हुई। जीवल चौक, ओके। ओके, जस्ट रीच रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रवेश। बेटा देखो, पहुंच तो गए हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, लेकिन हाँ आंधी चल रही है इतनी तेज़ से, और प्लस बारिश भी हल्की फुल्की होने लगी है। देखो, आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है कितनी तेज़ से आंधी चल रही है। फाइनली रीच जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, एक्चुअली मस्त आराम से। भाई ये मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने देखा था, बट मुझे इसका प्रोसीजर नहीं पता था। बट ये है जन आहार, IRCTC का है जन आहार, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिनिमल प्राइजेस पर, सारे खाना, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड फुली AC है। तो आई गेस ये बेटर प्लेस है, आप बाहर बैठने से अच्छा अंदर बैठो, कुछ खाओ पियो अच्छा, एंड हाइजीनिक खाना मिलता है। रेलवे का एरिया है, यहाँ पर 1% भी भाई सब गंदगी नहीं है, क्योंकि तुमने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी होती है, क्या क्या होता है। और ये रेलवे का एरिया है, यहाँ पर पूरा रेलवे का ही सारा सिस्टम है, रेलवे के ये जो कैंटीन है, रेलवे की कैंटीन है, एकदम 1% भाई साहब मतलब गंदगी नहीं है। अभी अपनी चाय आ गई तो भैया चाय पीते हैं। ओके, चाय भी अच्छी है, चाय मतलब ऐसी कोई ख़राब चाय नहीं है, चाय भी अच्छी है, जैसे स्टेशन मिलती है उससे तो काफ़ी बेटर है, जैसे हमें नॉर्मल स्टेशन पर मिलती है। सो आई विल गिव दिस कैफेटेरिया 10/10। यस, ओके। सो अभी अपन खाएंगे दाल और चावल, मतलब देखने में तो भाई अच्छा लग रहा है, लेट्स सी कैसा टेस्ट में है। इट्स गुड। 1 hour later इट्स 9:30 और 9:43 पर मेरी ट्रेन है, तो इट्स बेटर कि अभी बाहर निकल दें और देखते हैं ट्रेन आई है या नहीं आई है प्लेटफॉर्म पे। सो या लेट्स गो। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो।
सो हियर इज द कार्ड। भाई साहब बिल्कुल लास्ट वाला डब्बा है एस वन। ओके The next day. Ladies and gentlemen, boys and girls, I just reached New Delhi railway station and it's 6:46. So yes, चलो फटाफट से पहुंच गए हैं अपन। Okay, platform is almost empty क्योंकि जितनी सवारियां हैं वो वही हैं जो अपनी मतलब इस ट्रेन से उतरी हैं, बाकी का पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। और जब मैं परसों गया था तो भाई साहब इतना भरा हुआ था प्लेटफॉर्म, ये टाइम टाइम की बात है। चलो ओके सो अभी अपने को चलना है भैया जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे फ्लैट पे जाना पड़ेगा। मेरी वॉच फ्लैट पे है एज यू ऑलरेडी नो, सो वॉच लूँगा उसके बाद मैं रूम पे जाऊँगा वापस। ट्रेन टिकट है। ओके नोटिस करने वाली एक चीज, सो द सिस्टम इज़ कि अगर आपको एंट्री करनी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो अगर आपको मेट्रो के अंदर एंट्री करनी है तो आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए न्यू दिल्ली से। ये है कि या तो आपके पास में ट्रेन की टिकट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास में अपना आई कार्ड होना चाहिए कि आप वर्क पे जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और एंटरटेन नहीं किया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि यार मैं मतलब जीटीबी नगर तो मैं चला जाऊँगा, वहाँ से मैं एग्जिट भी कर जाऊँगा, बट क्या मुझे जीटीबी नगर से मुझे एंट्री मिलेगी दोबारा से मेट्रो के अंदर, यानी ये चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो लेट्स गो, अभी एक बार चल के देखते हैं और पता करेंगे चल के कि एंट्री मिलेगी मुझे दोबारा से या नहीं मिलेगी। बाप रे भाई साहब, बहुत मुश्किल से री एंट्री मेरी अलाउ हुई है। मैंने अभी बात किया, आई वाज लाइक कि मुझे फ्लैट तक जाना है, मुझे बस लैपटॉप उठाना है अपना, लैपटॉप उठा करके मुझे तुरंत आधे घंटे के अंदर मुझे एंट्री कर लूँगा मैं। ओके ये हालात हैं मुखर्जी नगर के। लॉकडाउन के टाइम पर केवल कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और दो चार मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बाकी सारा का सारा शट डाउन है, कुछ भी ओपन नहीं है। आज का टाइम पर सवारी भी नहीं है बिल्कुल भी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को भी दिक्कत हो रही है। ये वही एरिया है जहाँ पर मतलब वहाँ से लेकर के ये इधर तक पूरा ट्रैफिक जैम रहता है, और आज का टाइम देखो पूरा बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, फुली लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन इन द सेंस कि ये कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रॉपर लॉकडाउन नहीं है कि उसके अंदर आप बाहर नहीं निकल सकते। लाइक प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, अभी फुली लॉकडाउन तो नहीं लगा है, और ऐसी उम्मीद है कि फुली लॉकडाउन नहीं लगेगा, केवल ऐसा ही जो कर्फ्यू चल रहा है कर्फ्यू ही लगेगा टू ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस। ये लो भाई सब, पाँच फ्लोर चढ़ने में ना लग जाती है, पहुँच गया हूँ। यस चलो जी, वॉच मिल गई है, मतलब फाइनली इतने दिनों के बाद वॉच मिल गई है मेरी वापस। अभी चलते हैं फटाफट से, अब मुझे बस एक ही डर है कि एंट्री करने देंगे या नहीं करने देंगे। यार एक तो पता है कल कुछ खा करके नहीं आया, कल दिन भी बहुत कम खाया था, उसकी वजह से भूख लग रही है, बट एवरीथिंग इज शट सो देर इज नथिंग टू ईट, बट एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं एंट्री देते हैं या नहीं देते हैं। डूड दैट्स वॉट टफ यार, मतलब एंट्री नहीं दे रहा था, ही इज़ लाइक कि भैया टिकट दिखाओ जाने के। अब मैंने फिर उसको समझाया, मैंने देखो भाई साहब ऐसा है, अभी मैं न्यू दिल्ली आया था और न्यू दिल्ली से मैं रूम पर गया था कुछ सामान लेने के लिए, और अभी मुझे वापस से आनंद विहार से मुझे बस पकड़नी है, सो बड़ी मुश्किल से वो कन्विंस हुआ, तब उसने एंट्री दी है भाई साहब। Finally crossed the border and I'm in UP right now, Noida Sector 18.
बट द थिंग इज इट्स 9 PM एग्जैक्ट 9 PM सो आई डोंट थिंक सो देयर आर मच शॉप्स ओपन. सो लेट्स सी अगर कुछ खाने को मिलता तो यार खाऊंगा जरूर. भूख लग रही है, काफ़ी सही वाली भूख लग रही है. क्या ये सही वाली गलत वाली कौन सी भूख होती है, बट भूख लग रही है. इट्स बीन मोर देन हाफ एन आवर कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सेक्टर 18 पे कि भैया बस आ जाए, बस आ जाए, मैं चला जाऊँ, बट अभी तक बस नहीं आई है. अभी टाइम हो गया 9:35, 9 बजे मैं आ गया था. कोई नहीं, अभी हम वापस चलते हैं मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 से. मैं मेट्रो पकड़ूंगा और सीधा चलूँगा एक्वा लाइन के लिए. इट्स 9:50, फाइनली मेट्रो आ गई है. लेट्स गो. खुल जा भाई. यस खुल गया. सेक्टर 13 स्टेशन दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से छूट उपलब्ध है. स्मार्ट कार्ड धारकों को इस पर 10%. ओके जी सर, चलो अभी पहुंच गए अपने रूम पर. सारे के सारे बेड खाली हैं क्योंकि मेरे दोनों रूम पार्टनर जो हैं घर जा चुके हैं. एक रूम पार्टनर गाजियाबाद गया, एक अपना मतलब जहाँ का था वहाँ गया, अपने अपने घर गए हैं दोनों. मैं भी पहुँच गया हूँ अपने रूम पर. और अभी जो है सिस्टम ऐसा है कि भाई साहब बिल्कुल भी शरीर में जान नहीं बची है क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज से. कल शाम से कुछ नहीं खाया है क्योंकि सो यस मैं क्या क्या लेके आया, मैं कुछ लेके भी आया हूँ कि यार कुछ खाया है. ब्रेकफास्ट के लिए 2 केले, 1 पैकेट दूध, और इसके अलावा अपना कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, मतलब एक जैसे कि अपना ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद में देखते हैं फटाफट से. भाई बहुत ज़्यादा थके हूँ. चलो तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो. और हाँ यार क्या करवा रहे हो यार, 1000 की इतना ज़्यादा करीब आ गए तब भी मतलब नहीं करवा रहे हो, मतलब 10-12 सब्सक्राइबर बचे हैं और तब भी तुम लोग मतलब ऐसे कर रहे हो, क्यों भाई? करवा दो यार फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो. सो यस उसके बाद में आप लोगों के लिए सरप्राइज है बहुत ही अच्छा. एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको किसी भी वजह से अगर आपको अच्छी लगी हो सो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब खैर. Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you.